हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। केएफसी चिकन एक नहीं दो अलग फ्लेवर्स में। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट एक नहीं दो अलग फ्लेवर्स में केएफसी फ्राइड चिकन की रेसिपी। सो फर्स्ट है क्रिस्पी एंड क्लासिक केएफसी चिकन विंग्स एंड सेकंड है स्वीट चिली केएफसी यानी कोरियन फ्राइड चिकन। आजकल हर कोई अलग अलग देश के अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता है और के ड्रामास एंड के फूड का क्रेज तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और अगर आप भी इनमें से हैं और ओरिजिनल कोरियन फ्राइड चिकन ट्राई करना चाहते हैं तो हमने उस रेसिपी को चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट यूज करके सेम रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको केएफसी का ओरिजिनल टेस्ट पसंद है तो आप चिकन जिंगर बर्गर भी ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए बनाते हैं केएफसी चिकन विंग्स और आप वोट करिए कि आप इन दोनों फ्लेवर्स में से किस फ्लेवर को प्रेफर या ट्राई करना चाहेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए हमने लिए हैं टोटल 15 चिकन विंग्स। अब मैरिनेशन के लिए बोल में लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस एंड 1 टीस्पून विनेगर। अब इन सॉसेज और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चिकन विंग्स को इस मसाले से अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है, इसे रखेंगे फ्रिज में करीब 6 से 8 घंटे के लिए। आप इसे और ज्यादा वक्त के लिए भी रख सकते हैं। चिकन जितनी ज्यादा देर मैरिनेशन में रहेगा सारे फ्लेवर्स चिकन में उतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और चिकन गल भी जाएगा। केएफसी स्टाइल चिकन बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे इसकी कोटिंग। इसके लिए एक बड़े बोल में लेंगे 2 कप मैदा, इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच गार्लिक पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा करीब 8 घंटा मैरिनेशन में था, अब इसकी करेंगे कोटिंग। इसके लिए लेंगे मैदे का मिक्सचर जो अभी हमने प्रिपेयर किया है और एक बोल में चिल्ड पानी। अब लेंगे एक चिकन विंग्स और इसे मैदे के मिक्सचर से कोट करेंगे। एक्सेस मैदे को गिरा देंगे और चिकन पीस को डालेंगे चिल्ड पानी में। चिकन को करीब 10 सेकंड पानी में डिप करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे और अब इसे मैदे के मिक्सचर से अच्छी तरह दबा दबा के कोट करेंगे। ये स्टेप थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप चिकन पीसेस को करीब 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह मैदे के मिक्सचर से दबा दबा के कोट करेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा केएफसी वाला फ्लेकी टेक्सचर मिलेगा। इसी तरह फर्स्ट बैच के लिए और चिकन पीसेस की कोटिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चिकन पीसेस हम एक साथ फ्राई करने के लिए नहीं डाल सकते क्योंकि उससे तेल का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगा। तो आप बैलेंस करके एक साइड में चिकन फ्राई करते रहिए और दूसरी साइड में चिकन की कोटिंग करते रहिए, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। और हाँ, चिकन को दबा दबा के अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद इसे अच्छी तरह झाड़ना है ताकि एक्सेस मैदा गिर जाए। अब चिकन को फ्राई करने के लिए मीडियम हाई हीट पर तेल गर्म करेंगे और एक एक करके चिकन पीसेस को तेल में डाल देंगे। रिमेंबर, बहुत सारी पीसेस तेल में एक साथ नहीं डालना है, उससे तेल का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगा और चिकन हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चिकन पीसेस को तेल में डालने के बाद टच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी तेल में डूबे हुए हैं। जब तेल में बबल्स थोड़े कम हो जाए और चिकन भी थोड़ा गोल्डन कलर के दिखने शुरू हो जाए तब इसे फ्लिप करेंगे। सब चिकन विंग्स को फ्लिप करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब चिकन को पूरा पक जाने तक फ्राई करेंगे। इसे करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे कम्प्लीटली कुक होने में। चिकन विंग्स अच्छी तरह फ्राई हो गए, अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब इसे तेल से निकाल के सीधे वायर रैक पर ट्रांसफर करेंगे ताकि एक्सेस ऑयल गिर जाए। अब बस इसी तरह चिकन विंग्स के सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। पहले तेल को दोबारा मीडियम हाई हीट पर गर्म करेंगे, उसके बाद चिकन विंग्स को तेल में ऐड करेंगे। और ये रेडी हो गया है हमारा क्लासिक क्रिस्पी केएफसी चिकन विंग्स। आप इसे एंजॉय करिए मेयो और केचप के साथ। और हम बनाते हैं सेकंड केएफसी यानी कोरियन फ्राइड चिकन। इसके लिए हम सॉस तैयार करेंगे। पैन में लेंगे 2 बड़े चम्मच टमेटो केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक और 3-4 चम्मच पानी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। सॉस में एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जब सॉस बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए 1 मिनट कुक करेंगे। सॉस अच्छी तरह कुक हो गई है, गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसमें ऐड करेंगे फ्राइड चिकन। अब चिकन को इस स्वीट चिली सॉस से कोट करेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करके अब इन गर्मा गर्म चिकन विंग्स को सर्व करेंगे। चिकन विंग्स को गार्निश करेंगे चॉप्ड स्प्रिंग अनियन से और स्प्रिंकल करेंगे सफेद तिल। और ये रेडी है हमारा स्वीट चिली केएफसी चिकन विंग्स। है ना दोनों रेसिपीज कितनी टेस्टी और बनाने में कितनी आसान।
आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपने कभी कोई गे फूड ट्राई किया है। अब वक्त है फोटो ऑफ द डे का। आज की ये फोटो हमें सेंड किया है न्यू दिल्ली से मरियम असद ने। आप भी पोटली समोसा या इन डिजाइनर समोसों को ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप भी मौका पा सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर होने का। सिंपली आप हमारी बनाई हुई डिश को ट्राई करिए और उसकी फोटो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करिए और हम आपकी फोटो को हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।